आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। श्रावणी सोमवार है, सावन का सोमवार है। आप सभी को सोमवार की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ। आज 28 अगस्त 2023 चंद्रमा धनु राशि में सुबह 10:39 तक, उसके बाद मकर राशि में। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, सूर्य का नक्षत्र देर रात तक। आज सोम प्रदोष है, प्रदोष के दिन बच्चों की भलाई के लिए व्रत रखा जाता है। आज शिव जी को एक मुट्ठी भर के तिल चढ़ाइए। बुध जो है शाम को अस्त हो जाएंगे, ये एस्ट्रोलॉजिकल हैपनिंग है। थोड़ी ही देर में हम बुध के अस्त होने का प्रभाव जानेंगे मेष से लेके मीन राशि पर। मेष राशि, बुध आपके तृतीय भाव के और आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं। अस्त होंगे तो पराक्रम में थोड़ी सी कमी आएगी, लोन्स वगैरह लेने में दिक्कत हो सकती है। आपको करनी चाहिए गणेश जी की आराधना, ताकि छोटे भाई बहन भी मन मुटाव ना करें। वृषभ राशि, आपके परिवार का मालिक होता है बुध, संचित धन का, तो संचित धन निकालिए नहीं, परिवार के साथ बना के रखिए। मानसिक बेचैनी ना हो, बच्चों के साथ बने रहे, बुध के उपाय कीजिए, हरी चीजें अपनाएं। मिथुन राशि, आपके लग्नेश हैं बुध, अस्त वक्री होते हैं तो आपको तकलीफ होती है। आप क्या करें, आप हरी चीजें अपनाएं, हरी मूंग पालक खाएं, आप हरी घास पर चलने जाएं और घर परिवार में कलह क्लेश न करें, माता की तबीयत का ध्यान रखें। कर्क राशि, आपके लिए विदेश रिलेटेड कारोबार अगर ठंडे होते हैं, विद इन इंडिया कारोबार में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, थकन होती है, तो घबराइए नहीं, थोड़े दिनों की बात है। हरी चीजें खा सकते हैं आप और हरी घास पर चल सकते हैं, तो बुध जागृत होगा। सिंह राशि, आपके लिए बुध यानी कि पैसा अस्त होने से पैसों की गति रुक जाती है, आते आते पैसा लेट हो सकता है, बंद नहीं हो सकता। केसेस विवाद से बचें और संचित धन निकालने से बचें, गलत बातें भी ना करें। कन्या राशि, आपके लिए बुध मतलब आपका काम और आपका स्व, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस की वृद्धि के लिए बुध के उपाय करने चाहिए। कामकाज के लिए भी बुध के उपाय करने चाहिए। टेक्नोलॉजी, खेती से रिलेटेड काम, व्यवसाय से रिलेटेड काम संभल के करें। पिता के साथ अनबन ना करें, उनकी तबीयत का ध्यान रखें। तुला राशि, बुध अस्त होंगे तो आपको कामकाज में कमी लगेगी, कि जो ऑफर्स आ रहे थे थोड़े कम हुए, विदेश रिलेटेड काम ज्यादा हो सकते हैं और प्रेम संबंधों में स्पेस बना के रखिए, खर्चों पर कंट्रोल करें। वृश्चिक राशि, तबीयत संभालें, स्किन से रिलेटेड, रीनल फंक्शन से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड परेशानियों से बचें। केसेस विवाद में उलझे ना, और अगर परेशानी होती है तो गणेश जी की आराधना करें हर रोज। धनु राशि, आपके लिए विवाहित जीवन के साथी और कामकाज दोनों में आपको समस्याएं हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। एक नारियल गणेश जी को रोज चढ़ा दें अगर जाके, या मंगलवार को चढ़ा दें, तो आपकी समस्याएं दूर होंगी। मकर राशि, आपके लिए देखें कि श्रेष्ठ भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी बुध अस्त हुए, तो लोन्स वगैरह मिलने में देरी हुई, कामकाज में वृद्धि हो रही थी अचानक कम हुई, आपको बुध के उपाय करने चाहिए। बड़े भाई बहन और मामा पक्ष से मन मुटाव नहीं करना चाहिए। कुंभ राशि, आपके लिए बुध महाराज आपके पंचम भाव दिमाग के स्वामी, आपके शरीर के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी, तबियत के स्वामी, आप अपने मानसिक और शारीरिक शक्तियों के लिए कृष्ण की आराधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, हरी घास पर चलिए, आपकी तबियत ठीक रहेगी और मानसिक बल भी मिलता रहेगा। बच्चों से अनबन ना करें। मीन राशि, माता और विवाहित जीवन दोनों ही कंसर्न है आपके बुध से रिलेटेड, आपको उनके साथ बना के चलने में ही फायदा है, ताकि आपके काम बनते रहें और आप शांति से घर को बैलेंस कर सकें। इसलिए आप बुध के उपाय ना करें, लेकिन आप हरी सब्जियां
और हरी मूंग खा सकते हैं। आप हरी घास पर चलने जा सकते हैं। बुध अस्त होगा, इस बात का सबसे कम असर होने वाला है कर्क राशि वालों को। उनके कारक ग्रह नहीं है बुध, थोड़ा बहुत उनको लेजीनेस आ सकती है या खर्चे वर्चे हो सकते हैं, अदरवाइज ये उनका अस्त होना इनको ज्यादा नुकसान नहीं देता। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। हमने जाना था कि मिथुन राशि वाले स्व की उन्नति कैसे करें, आज हम जानेंगे कि मानसिक उन्नति कैसे करें। मिथुन राशि वालों, आपको मानसिक उन्नति करने के लिए दुर्गा माँ की आराधना करनी चाहिए। आप मासिक दुर्गाष्टमी के दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ भी पढ़ सकते हो या पंडित द्वारा करवा सकते हो। इसके अलावा ओम महालक्ष्मी नमः के जाप भी कर सकते हो। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। हरि शर्मा जी दिल्ली से लिखते हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहा जीवन में, नंबर दिया है 7। हरि शर्मा जी, मुझे आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन देना चाहिए, फिर भी मैं आपको समाधान देने के लिए कुछ कोशिश करती हूँ। नंबर दिया है आपने 7। अब आपको जो कुछ ठीक नहीं लग रहा ना, वो 30 अक्टूबर या नवंबर के एंड के बाद थोड़ा बेटर फील होगा, और ज़्यादा बेटर जो है वो 1 जनवरी से होगा। तब तक आप हनुमान जी की आराधना करें, उन्हें नारियल चढ़ाते रहें, मेरा 11 रुपए चढ़ा दीजिएगा। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सेहत।